सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने निष्क्रिय और आक्रामक व्यवहार के बारे में सीखा था। हमने देखा कि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग खुद के अधिकारों का बलिदान देते हैं और आक्रामक व्यवहार वाले लोग पूरा जोर लगाकर अपने अधिकारों और जरूरतों को हासिल कर लेते हैं। अब हम एक और व्यवहार के बारे में जानेंगे। चलिए मनन से मिलते हैं। उसके व्यवहार के लक्षण इस प्रकार हैं। मनन, एक, स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि कोई काम करना उसके लिए संभव नहीं है, पर वह बहाने बनाता रहता है। दो, अपने वादे नहीं निभाता और यह नहीं सोचता कि इससे दूसरों को कितनी परेशानी होगी। तीन, यह सोचता है कि अगर वह मंद गति से काम करेगा तो लोग अपने आप उसे कोई काम नहीं बताएंगे। चार, सीधी साधी बातों को घुमा फिरा कर जवाब देता है। पांच, सामने होकर किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेता। इस तरह के व्यवहार को निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार कहते हैं। मनन टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लग गया। मनन के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। एक, मनन चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। दो, मनन अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। तीन, मनन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। उसके निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार की वजह से यह कहा जा सकता है कि मनन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई ठीक से टीवी ना देख पाए। जो लोग ना तो पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं और ना ही एकदम आक्रामक होते हैं, वे इस तरह का व्यवहार करते हैं। मनन ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग, एक, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे पहले महत्व देते हैं। दो, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों को बाद में महत्व देते हैं या फिर बिल्कुल महत्व नहीं देते। तीन, दूसरों के साथ
स्पष्टता या फिर ईमानदारी से पेश नहीं आते। मनन का दोस्त कुमार उससे एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौट आई थी। उसने मनन से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई थी। मनन कुमार को किताब नहीं देना चाहता। यह बात सीधे तरीके से ना कहकर उसने चालाकी से कोई बहाना बना दिया। मनन को पता था कि यह किताब गलती से खराब हो गई थी और कुमार ने माफी भी मांगी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उस घटना के बाद भी उसने फिर से एक किताब मांगी। मनन ने एक बहाना बना दिया क्योंकि निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्ति एक दूसरों की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाद में उस बात से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, उसे भूल जाते हैं या फिर काम में देरी कर देते हैं। दो, किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेते और कोई गड़बड़ हो जाए तो दूसरों को दोष देते हैं। तीन, कुछ हासिल करने के लिए छल कपट का प्रयोग करते हैं। चार, सामने से तो मुस्कुराकर बातें करते हैं पर पीठ पीछे निंदा करते हैं। पांच, अपनी बात समझाते वक्त ताने मारते हैं। छह, अस्वीकृति का सामना नहीं कर सकते और सामने होकर किसी के साथ झगड़ा बहस नहीं करते। मनन कोचिंग क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। आमतौर पर मनन देवराज के पास एक जगह पहुंचकर उसके साथ कोचिंग क्लास जाता था। पिछले दो दिन देवराज की वजह से वे क्लास में देर से पहुंचे और उन्हें शिक्षक की डांट पड़ी। देवराज का इंतजार किए बिना और उसे बताए बिना मनन सीधा कोचिंग क्लास चला गया। देवराज ने मनन का इंतजार किया था, इसीलिए वह फिर से क्लास में देरी से पहुंचा और उसे डांट सुननी पड़ी। जब देवराज ने मनन से पूछा कि उसने इंतजार क्यों नहीं किया, तो मनन ने एक बहाना बना दिया। अगर मनन का व्यवहार ऐसा ही रहा तो आगे क्या होगा? एक, लोग मनन पर भरोसा नहीं करेंगे। दो, दोस्त मनन के व्यवहार का आदर करेंगे। तीन, चालाक और कुटिल व्यवहार के लिए मनन की सराहना होगी। सही कहा, कोई भी मनन पर भरोसा नहीं करेगा। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के परिणाम, एक, लोगों का विश्वास खो देना। दो, लोगों की नजर में अप्रिय बन जाना। तीन, आदर और सम्मान की कमी। चार, सामूहिक कार्यों में बुरा प्रदर्शन। पांच, रिश्तों में तनाव। उमेश ने एक चित्र बनाया और मनन को दिखाकर उसकी राय मांगी। मनन को लगा कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी नहीं था। उसने सीधी तरह से अपनी राय नहीं बताई बल्कि नजरें मिलाए बिना चित्र के बारे में एक ताना मार दिया। पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर लूंगा और मेरे पेन में नीली स्याही भर लूंगा। अगर कमलेश निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा?
यह दर्शाता है कि आपने निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार को अच्छी तरह समझ लिया है। आगे के सत्रों में हम दृढ़तापूर्ण व्यवहार और उसके अधिकारों व जिम्मेदारियों के बारे में सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग, एक, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे पहले महत्व देते हैं। दो, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों को बाद में महत्व देते हैं या फिर बिल्कुल महत्व नहीं देते। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्तियों के लक्षण, एक, स्पष्ट तरीके से यह नहीं बताते हैं कि वे काम नहीं कर सकते और बचने के लिए बहाने बनाते हैं। दो, अक्सर अपने वादे तोड़ देते हैं जिस वजह से दूसरों को परेशानी होती है। तीन, यह सोचते हैं कि अगर वे धीरे धीरे या फिर बुरे तरीके से काम करेंगे तो उन्हें कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। चार, सीधी बातों के जवाब भी घुमा फिरा कर देते हैं। पांच, खुलकर किसी की भी आलोचना नहीं करते हैं। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के परिणाम, एक, लोगों का विश्वास खो देना। दो, लोगों की नजर में अप्रिय बन जाना। तीन, आदर और सम्मान की कमी। चार, सामूहिक कार्यों में बुरा प्रदर्शन। पांच, रिश्तों में तनाव। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब एक और व्यक्ति से मिले। यह नवीन है। नवीन के कुछ विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं। नवीन पूरे आत्मविश्वास के साथ बातचीत शुरू करके आगे बढ़ा सकता है। अपनी भावनाएं और राय बताने में हिचकिचाता नहीं है। जब कोई बात स्पष्ट ना हो तो उसके बारे में पूछता है। जब कोई काम अनुचित या असंभव लगे तो शिष्टता से ना कह देता है। परेशानी समस्या के बारे में खुलकर चर्चा करता है। गुस्सा या आक्रामकता दिखाए बिना अपनी पहचान बनाता है। सकारात्मक भावनाएं खुलकर व्यक्त करता है। संक्षिप्त में कहें तो नवीन का व्यवहार दृढ़तापूर्ण है। नवीन टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। नवीन के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। एक, नवीन चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। दो, नवीन अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। तीन, नवीन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। चार, इनमें से कुछ भी नहीं करेगा और कोई दूसरा तरीका अपनाएगा। नवीन का स्वभाव दृढ़तापूर्ण है। नवीन चुपचाप बैठकर बाद में वहां से नहीं जाएगा, ना ही वह झगड़ा शुरू करके कोई आक्रामक व्यवहार दर्शाएगा। अपना अधिकार पाने के लिए वह चालाकी से कोई निष्क्रिय
आक्रामक व्यवहार भी नहीं दर्शाएगा, बल्कि वह इनमें से कोई काम कर सकता है। एक, अपने भाई से पूछेगा कि वह कार्यक्रम उसके लिए कितना आवश्यक है। अगर वह कार्यक्रम उसके लिए जरूरी है तो उसे टीवी देखने देगा और खुद पड़ोस के घर पर जाकर या कहीं और जाकर टीवी देख लेगा। दो, अगर उसका अपना कार्यक्रम ज्यादा जरूरी है तो वह अपने भाई को मनाएगा ताकि वह टीवी देख सके। तीन, यह कहेगा कि पहले टीवी देखने वह आया था। अगर उसके भाई को उस समय टीवी देखना था, उसे पहले ही आ जाना चाहिए था। अगर नवीन पहला विकल्प चुनता है तो यह दर्शाता है कि वह दोनों के अधिकारों को समान महत्व दे रहा है। ऐसे में जिसका अधिकार परिस्थिति के अनुसार ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे टीवी देखने का हक मिलेगा। अगर नवीन दूसरा विकल्प चुनता है तो यह दर्शाता है कि दोनों ही प्राथमिकताएं अलग अलग हैं और ऐसी परिस्थिति में सबसे उचित निर्णय लिया जाएगा। अगर वह तीसरा विकल्प चुनता है तो यह दर्शाता है कि पहले आओ पहले पाओ, ये वाली नीति अपनाई गई है। नवीन इस तरह का व्यवहार दर्शाता है क्योंकि दृढ़तापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति एक, अपने और दूसरों के अधिकारों को समान महत्व देते हैं, दो, सीधे और ईमानदार तरीके से अपनी राय और जरूरतें व्यक्त करते हैं। कुमार नवीन से एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौटाई थी। उसने नवीन से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई थी। नवीन को उस किताब की बहुत जरूरत थी, पर उसे मालूम था कि कुमार को भी किताब की जरूरत है। इसीलिए उसने कुमार को याद दिलाया कि उसे किताब संभाल कर रखनी होगी। उसने यह संकेत भी दिया कि अगर उसने फिर से किताब खराब की तो भविष्य में वह उसे कोई किताब नहीं देगा। इस परिस्थिति में ऐसा हुआ क्योंकि दृढ़तापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति एक, अपने और दूसरों के अधिकारों को समान महत्व देते हैं, दो, सीधे और ईमानदार तरीके से अपनी राय और जरूरतें व्यक्त करते हैं। अगर पहली बार किताब खराब होने के बाद कुमार ने माफी नहीं मांगी होती तो नवीन क्या उत्तर देता? एक, उसे यह सोचकर गुस्सा आता कि किताब को खराब करने के बाद भी उसमें कोई शर्म नहीं है और वह एक और किताब उधार लेने आया है। दो, उसे वादा करता कि वह अगले सप्ताह किताब देगा और बाद में उसे किताब नहीं देता। तीन, स्पष्ट रूप से यह कह देता कि उसने किताब खराब कर दी थी, इसीलिए वह कोई किताब उसे नहीं देना चाहता। चार, कुछ भी कहे बिना उसे किताब दे देता क्योंकि वह उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहता था। कुमार की बेशर्मी देखकर गुस्सा करना आक्रामक तरीका दर्शाता है। बाद में देने का वादा करना और फिर अपना वादा तोड़ देना, यह निष्क्रिय आक्रामक तरीका है जो कि अनुचित है।
कुछ भी कहे बिना किताब दे देना ताकि वह उसकी नजर में अच्छा बन सके। यह निष्क्रिय व्यवहार है, इसलिए यह भी अनुचित है। स्पष्ट रूप से यह कहना कि वह किताब नहीं दे सकता क्योंकि उसने पहले किताब खराब कर दी थी, यह इस परिस्थिति को संभालने का उचित तरीका है। इसमें दृढ़तापूर्ण व्यवहार दर्शाया गया है। नवीन कोचिंग क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। आमतौर पर वह देवराज के घर के पास एक जगह पहुंचकर उसके साथ कोचिंग क्लास जाता था। पिछले दो दिनों से देवराज की वजह से वे क्लास में देर से पहुंच रहे थे। उन्हें शिक्षक की डांट भी पड़ी थी। नवीन देवराज का इंतजार कर रहा था। देवराज फिर से देरी से आया। एक दृढ़ व्यक्ति के तौर पर नवीन क्या करेगा? एक, स्पष्ट रूप से अपनी परिस्थिति समझाएगा। दो, अपने विचार खुलकर और सच्चाई के साथ बताएगा। तीन, यह समझाएगा कि भविष्य में किस बात से बचना है। चार, यह भी कहेगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दृढ़तापूर्ण व्यवहार के ये चरण होते हैं। नवीन यह स्पष्ट रूप से समझाएगा कि शिक्षक ने उन्हें डांट कर सही किया और देवराज की वजह से क्लास में बार बार देर से पहुंचकर वह शर्मिंदा महसूस करता है। वह यह भी कहेगा कि अगर देवराज ने खुद को नहीं बदला तो वह अब से उसका इंतजार नहीं करेगा। अगर नवीन हमेशा ही अपने अधिकार, राय और जरूरतों के बारे में सीधे, स्पष्ट और उचित तरीके से कहेगा तो दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? एक, वे सोचेंगे कि नवीन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और वह अविश्वसनीय है। दो, नवीन के दोस्त उसका साथ नहीं देना चाहेंगे। तीन, स्पष्ट, सीधे और ईमानदार तरीके से बातचीत करने के लिए नवीन को विश्वसनीय समझा जाएगा। स्पष्ट, सीधे और ईमानदार तरीके से बातचीत करने के लिए नवीन को विश्वसनीय समझा जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप एक, उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा। दो, आदर होगा। तीन, दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना वह अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। चार, अच्छे मजबूत रिश्ते बनेंगे। पांच, काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। छह, तनाव और झगड़े कम होंगे। उमेश ने एक चित्र बनाया और नवीन को दिखाकर उसकी राय मांगी। नवीन को लग रहा था कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी नहीं था। अपने दृढ़तापूर्ण व्यवहार के कारण उसे पता है कि अपनी राय और भावनाएं उचित तरीके से कैसे व्यक्त करनी चाहिए। नवीन ने उमेश से आंख मिलाकर शिष्ट और उचित तरीके से बता दिया कि चित्र के बारे में उसकी क्या राय है। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर लूंगा
और मेरे पेन में नीली स्याही भर लूंगा। अगर कमलेश दृढ़तापूर्ण व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? यह दर्शाता है कि आप दृढ़तापूर्ण व्यवहार को अच्छी तरह समझ गए हैं। अगले सत्र में हम दृढ़तापूर्ण व्यवहार के अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में और जानेंगे। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? दृढ़तापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति एक, अपने और दूसरों के अधिकारों को समान महत्व देते हैं। दो, सीधे और ईमानदार तरीके से अपनी राय और जरूरतें व्यक्त करते हैं। दृढ़तापूर्ण व्यवहार एक, स्पष्ट रूप से अपनी परिस्थिति समझाएगा। दो, अपने विचार खुलकर और सच्चाई के साथ बताएगा। तीन, यह समझाएगा कि भविष्य में किस बात से बचना है। चार, यह भी कहेगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दृढ़तापूर्ण व्यवहार के परिणाम एक, उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा। दो, आदर होगा। तीन, दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना वह अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। चार, अच्छे मजबूत रिश्ते बनेंगे। पांच, काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। छह, तनाव और झगड़े कम होंगे। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। इससे पहले के सत्र में हमने सामूहिक खेल और सामूहिक चर्चा के बीच में अंतर
और उनकी समानताओं के बारे में जाना था। हमने यह भी सीखा था कि सामूहिक चर्चा में कैसे भाग लेना चाहिए और चर्चा को असरदार बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इस सत्र में हम सीखेंगे कि चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का मार्गदर्शन कैसे किया जा सकता है। क्या आपने कभी किसी खेल कूद के प्रशिक्षक को ध्यान से देखा है? वह खिलाड़ियों को किस तरह प्रशिक्षण देता है? प्रशिक्षक भी खिलाड़ियों के साथ साथ खेलता रहता है। इसी तरह हम भी सामूहिक चर्चा में भाग लेते हुए चर्चा को एक दिशा दे सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप सबने इंद्रधनुष तो जरूर देखा होगा। कृपया 5-5 लोगों के समूह बनाकर बैठ जाएं। समूहों में आपको इंद्रधनुष के अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा करनी है, वैज्ञानिक, साहित्यिक, भावनात्मक और सौंदर्य से संबंधित। आप इन सब बातों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इसके रंग कितने मनमोहक होते हैं? इंद्रधनुष पर लिखी गई कोई कविता, इंद्रधनुष को देखकर मन में आने वाले विचार इत्यादि। सर आइजैक न्यूटन ने यह साबित किया था कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल में पाई जाने वाली पानी की बूंदों से होकर गुजरती है तो उसके रंग बिखर कर इंद्रधनुष के रूप में नजर आते हैं। जब हम आंखों से सफेद रोशनी को देखते हैं तो उसमें कोई भी रंग नजर नहीं आता, पर जब रोशनी पानी को बूंदों या प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसके रंग बिखर कर 7 रंग के पट्टों की तरह दिखते हैं। उसी तरह हम सब में बहुत से गुण होते हैं। हमारे सारे गुण हमेशा दिखाई नहीं देते, पर जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो हमारे गुण उभर कर आते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सामूहिक चर्चा में भाग लेते हैं तो हमारे ये सब गुण नजर आते हैं। प्रोत्साहन देने का कौशल, समझौते करवाने का कौशल, नेतृत्व करने का कौशल, स्पष्टीकरण और सारांश करने का कौशल, पहल करने के कौशल, मूल्यांकन करने के कौशल, सारी बातें दर्ज करने या ठीक से लिखने के कौशल। जिस तरह पानी की बूंद से रोशनी में छिपे हुए रंग सामने आ जाते हैं, वैसे ही सामूहिक चर्चा में भाग लेने से हमारे कौशल सबके सामने नजर आने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सब कौशलों का उपयोग करने से सामूहिक चर्चा और असरदार बन सकती है। क्या हम देखें कि सामूहिक चर्चा में भाग लेते हुए हम चर्चा को सही दिशा कैसे दे सकते हैं? आइए हम सुधा और उसके 4 दोस्तों की चर्चा सुनते हैं। सुधा और उसके दोस्त अपने मोहल्ले में बाल दिवस मनाना चाहते हैं। वे चर्चा कर रहे हैं कि इसके लिए कौन कौन से काम करने हैं। क्या हम देखें कि वे क्या बातें कर रहे हैं? सीमा, क्या हम? लतिका, या फिर कुछ खेल? मधु, गायन प्रतियोगिता कैसी रहेगी? अरुणा, बच्चों के लिए एक पुस्तकालय शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? हम उसके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। सुधा, वाह, ये सुझाव बहुत अच्छा है, हमें यही करना चाहिए। वाह, ये सुझाव बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर सुधा ने अरुणा का और उसके सुझाव का
प्रोत्साहन किया, उसी तरह उसने दूसरों को भी प्रोत्साहित किया। इस तरह किसी की सराहना करके और उनके विचारों का समर्थन करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रोत्साहन करने वाले लोग सक्रिय होते हैं और वे लोगों का समर्थन करते हैं। नए विचार सामने लाकर और लोगों का हौसला बढ़ाकर वे चर्चा को रुचिकर बनाए रखते हैं। वे विचारों को समझने में और समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं। तनाव और बहस को दूर करने के लिए वे सही तरीके से मजाक भी करना जानते हैं। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। अब एक कार्यकलाप करेंगे। आपको कैसा लगा जब चर्चा के दौरान किसी ने आपकी बात ध्यान से सुनी और आपकी सराहना भी की? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, जब आपके दोस्त या माता पिता किसी समस्या का हल ढूंढ रहे थे, तब क्या आपके सुझाव से उन्हें कोई निर्णय लेने में मदद मिली? जब उन्होंने आपकी सराहना की, तब आपको कैसा लगा? धन्यवाद। आइए देखते हैं कि सुधा और उसके दोस्तों की चर्चा में क्या हो रहा है। अरुणा, हमें बाल पुस्तकालय के लिए चंदा इकट्ठा करना चाहिए। सुधा, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। सीमा, पर मुझे तो इसमें कुछ भी उपयोगी नजर नहीं आता। मधु, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सीमा, जब पास में ही एक सार्वजनिक पुस्तकालय है तो हमें और एक पुस्तकालय की क्या जरूरत है? अरुणा, क्या ऐसा कोई नियम है कि सार्वजनिक पुस्तकालय के पास बाल पुस्तकालय नहीं होना चाहिए? सीमा, ऐसा कोई भी नियम नहीं है, पर जब हम सार्वजनिक पुस्तकालय को अच्छी तरह काम में ले सकते हैं तो दूसरा पुस्तकालय खोलने की क्या जरूरत है? मधु, हमें लतिका की भी बात सुननी चाहिए, उसे अब तक कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला है। क्या आप में से कोई 5 लोग इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? सीमा बाल पुस्तकालय खोलने के विचार की आलोचना करती है। लतिका, अरुणा जोर से और दृढ़ता से कहती है कि बाल पुस्तकालय होना ही चाहिए। सुधा बाल पुस्तकालय खोलने का समर्थन करती है। मधु लतिका को बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमने देखा कि जरूरत पड़ने पर मधु हमेशा बीच में आकर स्थिति को संभाल लेती। सीमा ने जब आलोचना की, तब मधु ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और उसने लतिका को भी बात करने का मौका दिया। मधु बात को बिगाड़ने नहीं देती। इस तरह वह एक समझौता करने वाले की भूमिका निभा रही थी। समझौता करने वाले लोग सामाजिक स्वभाव के होते हैं। वे ऐसे लोगों को सबके सामने लाते हैं जो अपने शर्मीलेपन की वजह से ज्यादा बात नहीं कर पाते। वे लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं। समझौता करवाने वाले लोग दूसरे के साथ मिलकर अच्छी तरह काम कर पाते हैं और समूह को एकजुट रख के मदद करते हैं। वे सहनशील होते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं। वे सब्र से काम लेते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं। उन्हें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों की समझ होती है। वे किसी भी झगड़े को आसानी से सुलझा पाते हैं। वे अड़ियल लोगों से भी काम निकलवा लेते हैं
क्योंकि वे गुस्से से नहीं बल्कि दृढ़ता से बात करते हैं। अगर मधु बीच में नहीं आती तो अरुणा और सीमा की बातचीत झगड़े में बदल सकती थी। इसीलिए सामूहिक चर्चा के दौरान बहस और झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की बात को समझकर एक मत होने की कोशिश करनी चाहिए। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। अब आपके लिए एक और कार्यकलाप है। आप एक वर्क पहेली पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका छोटा भाई आपको चुपचाप देख रहा है। पहेली में एक ही शब्द भरना बाकी है पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जल्दी से पहेली खत्म करना चाहते हैं। आप अपने भाई से पूछते हैं, तुम कब से मुझे देख रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह शब्द कौन सा हो सकता है? वह कुछ सुझाव देता है और उससे आपकी पहेली पूरी हो जाती है। क्या आपने कभी किसी शर्मीले या शांत व्यक्ति को किसी चीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है? भाग लेने पर क्या उन व्यक्तियों ने कोई सराहनीय काम कर दिखाया है? क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अब हम अगले कार्यकलाप के बारे में बात करते हैं। एक कार का पहिया मिट्टी में फंस गया है। कपिल ने देखा कि ड्राइवर को कार आगे ले जाने में मुश्किल हो रही थी। उसने पास खड़े लोगों को ड्राइवर की मदद करने के लिए बुलाया। सब मिलकर कार को पीछे से धक्का मारने लगे। कपिल वहीं खड़ा होकर इस तरह निर्देश देने लगा, हां अब जोर से धक्का लगाओ, अरे जोर से, जरा रोको। वह ड्राइवर से भी कह रहा था, गियर बदलो, हां अब गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो इत्यादि। क्या आप चारों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। हमने देखा कि एक मुश्किल स्थिति में कपिल ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और अच्छी तरह नेतृत्व किया। क्या हम देखें कि नेतृत्व करने का कौशल सामूहिक चर्चा में किस तरह काम आता है? आइए देखते हैं कि जब मधु ने लतिका को बात करने का मौका दिया तब क्या हुआ। लतिका, केवल 4 दिन रह गए हैं पुस्तकालय शुरू करने के लिए। अरुणा, सीमा, हमें बाल पुस्तक जहाँ चाह वहाँ राह, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मधु, क्या हम थोड़ा सब्र से काम ले सकते हैं? हम लतिका को बोलने का मौका देंगे तभी तो उसकी बात सुन पाएंगे। लतिका, हमें बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो? लतिका, बाल पुस्तकालय की आवश्यकता है पर केवल 3 दिनों में हम पुस्तकालय नहीं खोल सकते। हमें जगह चाहिए, किताबें चाहिए, सारे किताबों को विषय के अनुसार जमाना भी तो होगा। इतना काम हम 3 दिनों में नहीं कर पाएंगे। क्या 5 लोग यहाँ आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? लतिका बता रही है कि 3 दिनों में पुस्तकालय शुरू करना मुश्किल है। सीमा लतिका की बात काट रही है। अरुणा लतिका की बात काट रही है। सुधा मधु अरुणा और सीमा को चुप करवाती है, लतिका को बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
जब अरुणा और सीमा ने लतिका की बात काट दी, तब मधु ने नेता की भूमिका निभाई। उसने सकारात्मक रूप से सामूहिक चर्चा को नियंत्रित किया। उसने न केवल चर्चा को बल्कि चर्चा में भाग लेने वाले लोगों को भी नियंत्रण में रखा। उसने पहल की और बाधाएं आने पर पूरी दृढ़ता के साथ सारी स्थिति को संभाला। मधु ने यह ध्यान रखा कि किसी भी तरह की बहस और उलझन न हो। मधु के जैसे नेता लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें सही तरीके से सामने ला सकते हैं। वे गुस्से या बल का प्रयोग किए बिना अपना काम कर लेते हैं। जब स्थिति ठीक न हो तो वे थोड़ा व्याकुल हो सकते हैं, पर वे सब कुछ सही परिणाम तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए उचित तरीके से सामूहिक चर्चा का नेतृत्व करना जरूरी होता है, ताकि चर्चा का लक्ष्य पूरा हो सके। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया आपने, धन्यवाद। आइए हम फिर से उस चर्चा पर ध्यान देते हैं। जब लतिका की बात खत्म हुई, तब मधु ने कहा, इसका सार यह है कि हमें पुस्तकालय तो चाहिए, पर इतने कम समय में यह संभव नहीं है। ठीक कहा मैंने? लतिका ने सहमति दिखाते हुए अपना सिर हिलाया। मधु ने संक्षिप्त में और स्पष्ट रूप से लतिका की बातों का सार बताया। उसने सामूहिक चर्चा के उद्देश्य को भी स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा। उसने यह समझाया कि चर्चा करने का मकसद क्या है। उसने यह बात विस्तार से बताई कि आगे क्या करने की जरूरत है, और उसके लिए उसने सारे साथियों की राय ली। चर्चा में बताए गए सारे विचारों को उसने ठीक से सार बताया। अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह सारांश प्रस्तुत न करे तो चर्चा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए सामूहिक चर्चा में उभरने वाले विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना जरूरी होता है। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। चलिए फिर से चर्चा की ओर ध्यान देते हैं। जब लतिका ने अपनी बात खत्म की, तब अरुणा ने कहा, मैं लतिका की बात से सहमत हूं। हम बाल दिवस के बाद पुस्तकालय शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। बाल दिवस मनाने के लिए 3 दिनों में क्या किया जा सकता है? सब लोग सोचने लगे। बहुत से विचार सामने आए। कई लोग सुझावों के बारे में सोच रहे थे। सुधा ने कहा, कैसे रहेगा अगर हम पुराने कपड़े और खिलौने जमा करके किसी अनाथालय को दे जाएं? मैं 10 घरों से चीजें इकट्ठा करके ले जाऊंगी।
सुधा की बात सुनने के बाद दूसरे लोग भी अपना सुझाव बताने लगे। जब दूसरे लोग सुझावों के बारे में सोच रहे थे, तब सुधा ने एक नया विचार बताया। उस विचार से नई सोच पैदा हुई। हम कह सकते हैं कि सुधा ने पहल की और विचारों के द्वार खोल दिए। सुधा जैसे लोगों के पास नए नए विचार होते हैं और वे बहुत रचनात्मक होते हैं। वे अलग तरह से सोचते हैं। वे अक्सर बड़े मुद्दे और बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं और छोटी छोटी बातों में रुचि नहीं रखते। अगर किसी बात की शुरुआत उन्हें रुचिकर और अहम न लगे तो वे ऊब जाते हैं। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। परीक्षा के अलावा छात्रों का मूल्यांकन और किस तरह से किया जा सकता है जिसके आधार पर उन्हें अगली कक्षा में भेजा जा सके। हम फिर से सुधा और उसके दोस्तों की चर्चा पर ध्यान देते हैं। सुधा की बात सुनने के बाद लतिका ने उसके सुझाव का समर्थन किया और कहा, यह करना मुश्किल नहीं है। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास और कोई सुझाव है? ऐसा कहकर लतिका विचारों का मूल्यांकन कर रही है। वह देख रही है कि सुधा के सुझाव पर अमल कर सकते हैं या नहीं, और इस सुझाव के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। लतिका जैसे लोग सोच समझ कर काम करते हैं और हर बात के तर्क पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोग भावुक नहीं होते। वे अलग अलग विचारों को ठीक से समझकर निष्पक्ष होकर निर्णय लेते हैं। अगर कोई काम एक तरीके से न हो पाए तो वे अलग तरीके सुझा सकते हैं। उन्हें निर्णय लेने में समय लगता है क्योंकि वे बहुत सोच विचार के बाद निर्णय लेते हैं। इसीलिए किसी सुझाव या विचार का समर्थन करने से पहले उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। अनुपयोगी विचारों की वजह से बाद में समस्या खड़ी हो सकती है, इसीलिए पहले ही मूल्यांकन कर लेना ठीक होता है। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। विचारों, सुझावों, प्रस्तावों का निष्पक्षता से मूल्यांकन करना चाहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।